नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत नंदी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सहज सीएनसी। दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे सीएनसी कंट्रोलर। तो सीएनसी कंट्रोलर क्या है दोस्तों, आप जानते हैं सीएनसी कंट्रोलर एक कंप्लीट सीएनसी सिस्टम का ब्रेन होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीएनसी कंट्रोलर मार्केट में मिलते हैं। तो बेसिकली सीएनसी कंट्रोलर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तीन टाइप में। तो सबसे पहले क्या है कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, और दूसरा है आपका पीसी बेस्ड, और तीसरा है आपका OEM CNC कंट्रोलर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या CNC कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल है, डिफाइन टाइप ऑफ CNC कंट्रोलर क्या है, ठीक है ना, और उसका क्या क्या एलिमेंट्स उसमें रहते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ CNC कंट्रोलर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड CNC कंट्रोलर क्या है, ठीक है ना, डिफाइन टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड CNC कंट्रोलर क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं CNC कंट्रोलर को हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, दूसरा है पीसी बेस्ड, और तीसरा है इंडस्ट्रियल ओईएम। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सीएनसी कंट्रोलर है। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सीएनसी में दो यूज़ होता है, एक है आर्डिनो और दूसरा है रास्पबेरी पाई। तो चलिए देख लेते हैं आर्डिनो और रास्पबेरी पाई से कैसे एक सीएनसी कंट्रोलर को डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे आर्डिनो सीएनसी कंट्रोलर को दिखाया गया है। ये आर्डिनो बोर्ड है और ये एलसीडी डिस्प्ले है, और ये है मोटर ड्राइवर बोर्ड, ठीक है ना। ये एक स्पेशल टाइप का बोर्ड है जो कि स्टेपर मोटर को चलाने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली जो आर्डिनो बोर्ड से जो कंट्रोल होता है वो स्टेपर मोटर टाइप का जो जो सीएनसी मशीन्स है उसमें ये माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है। जो कंट्रोलर ओपन लूप सिस्टम में काम करता है वहाँ पे यूजुअली ये स्टेपर मोटर यूज़ होता है और आर्डिनो सीएनसी कंट्रोलर वहाँ पे यूज़ होता है। ये है उनका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं रास्पबेरी पाई से कैसे किया जाता है। ये है रास्पबेरी पाई सीएनसी कंट्रोल बोर्ड, और यहाँ पे ये यूएसबी पोर्ट से इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, और यहाँ पे स्टेपर कंट्रोल मोड मोटर बोर्ड है, और ये है आपका स्टेपर मोटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों पीसी बेस्ड सीएनसी कंट्रोलर जो कि यूएसबी से कंट्रोल होता है। तो चलिए देख लेते हैं यूएसबी टाइप का सीएनसी कंट्रोलर कौन कौन सा है। दोस्तों पीसी बेस्ड सीएनसी कंट्रोलर क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीसी बेस्ड सीएनसी कंट्रोलर मार्केट में मिलता है। उनमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है आपका फ्लैश कार्ड सीएनसी, और लिनक्स सीएनसी, और मैक 3, ठीक है ना, ये तीनों सबसे पॉपुलर है। तो चलिए इनका जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्लैश कार्ड सीएनसी आर्किटेक्चर, यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर में फ्लैश कार्ड जो सीएनसी सॉफ्टवेयर है वो लोडेड रहता है, और ये कंप्यूटर से ये कंट्रोल होता है। और ये दो तरह होता है, एक टू टाइप्स होता है एक्चुअली। यूएसबी सिग्नल जनरेटर्स अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे स्टेपर मोटर ड्राइवर से स्टेपर मोटर को चलाया जाता है, और अगर कॉम्पैक्ट सीएनसी कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो इससे डायरेक्टली स्टेपर मोटर को ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड सीएनसी से दो टाइप का, यूएसबी सिग्नल जनरेटर और कॉम्पैक्ट सीएनसी कंट्रोलर, दोनों टाइप का आपका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लिनक्स सीएनसी आर्किटेक्चर। जो लिनक्स सीएनसी सेम है वहाँ पे भी ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे लिनक्स सीएनसी सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और इसमें ये इसको बोलते हैं ब्रेकआउट बोर्ड, ठीक है ना। ये जो ब्रेकआउट बोर्ड है इसमें ये यूएसबी से कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे स्टेपर मोटर ड्राइवर बोर्ड रहता है, और ये स्टेपर मोटर ड्राइवर से ये स्टेपर मोटर को चलाया जाता है। ये अगर तीन एक्सिस है तो एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग स्टेपर मोटर ड्राइवर बोर्ड रहता है। और सिमिलरली मैक 3 सीएनसी आर्किटेक्चर भी वैसे ही है उसकी तरह, कि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर में मैक 3 सॉफ्टवेयर रहता है और यूएसबी से उसको कनेक्ट किया जाता है, और यहाँ पे स्टेपर मोटर जो है ये स्टेपर मोटर ड्राइवर बोर्ड है, और स्टेपर मोटर को यहाँ से चलाया जाता है। और लास्ट में है दोस्तों OEM CNC कंट्रोलर, ठीक है ना। ये मेन जो मशीनिंग इंडस्ट्री है इसमें ये जो OEM बेस्ड CNC कंट्रोलर है यही यूज होता है। डिफाइंड टाइप ऑफ OEM बेस्ड CNC कंट्रोलर होता है। OEM CNC कंट्रोलर डिफाइंड मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं जैसे कि सीमेंस, फानुक, हाइडेनाइन, ठीक है ना। ये मेनली जो हमारा मशीनिंग इंडस्ट्रीज होता है उसमें ये OEM बेस्ड CNC कंट्रोलर ही यूज होता है। ये कंप्लीट सर्वो कंट्रोल होता है, बाकी जो CNC कंट्रोलर्स जो है वो एक्चुअली स्टेपर मोटर कंट्रोल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं OEM बेस्ड सीएनसी कंट्रोलर क्या क्या है। ये इंडस्ट्रियल OEM सीएनसी कंट्रोलर, ये जो मशीनिंग इंडस्ट्री है उसमें इसी टाइप का इंडस्ट्रियल OEM सीएनसी कंट्रोलर ही यूज़ होता है। मतलब ये है फुल सीएनसी कंट्रोल जिसमें आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम काम करता है, ठीक है ना, और सर्वो मैकेनिज्म भी काम करता है, ठीक है। इसमें जो लीडिंग जो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरर है वो है सीमेंस, फानुक, हास, हाइडेनाइन एट्सेट्रा। दोस्तों कंट्रोलर मैन्युफैक्चरर डिफरेंट सीएनसी कंट्रोलर्स बनाते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से,
जैसे कि सीमेंस का अलग अलग मॉडल होता है, जैसे 810D, 802D, 40D, वैसे फानुक का भी है 0i, 0iAM, 0iTC, 32i। तो ये जो मॉडल्स है ये सीएनसी मशीन के हिसाब से, मतलब उसका काम करने का जो कैपेबिलिटीज़ होता है उसके हिसाब से कंट्रोलर को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से सीमेंस और फानुक ज़्यादातर यूज़ होता है इंडिया में। इसके अलावा भी बहुत सारा कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक सीएनसी कंट्रोलर, कंप्लीट सीएनसी कंट्रोलर में क्या क्या एलिमेंट्स रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर सीएनसी कंट्रोलर्स को लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फानुक का 0iMC कंट्रोलर देखेंगे, मतलब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है और उसको कैसे डिसमेंटलिंग किया जाता है और उसमें उसका काम क्या है। हम फानुक कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम आप ले लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे सीएनसी कंट्रोल सॉफ्टवेयर रहता है और यहाँ पे पीएमसी, ये पीएलसी कंट्रोल होता है। ये सीएनसी और पीएलसी आपस में एक साथ जुड़ा रहता है और यहाँ पे एक एलसीडी यूनिट भी होता है। ठीक है, और इसमें एक एफ्रॉम और एसरेम बैकअप रहता है, ये बैटरी बैकअप देखिए, इसको जो मशीन डेटा एंड कुछ पैरामीटर्स इसमें लोडेड रहता है। ठीक है, और यहाँ पे दो ड्राइव रहते हैं, एसबीएम और एसपीएम, स्पिंडल के लिए एसपीएम और एक्सिस मोटर के लिए एसबीएम। अगर दो एक्सिस आए तो दो एसबीएम रहेगा और अगर तीन एक्सिस आए तो तीन एसबीएम रहेगा। यहाँ पे एक बात कहना पड़ेगा, एसबीएम और एसपीएम जो मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखाया गया, ये जो दो मॉड्यूल है ये कंट्रोलर के साथ नहीं है, ये बाहर से कनेक्ट रहता है कंट्रोलर के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल से। और यहाँ पे अगर हम इंटरफेस करना चाहते हैं सीएनसी के साथ, तो यहाँ पे ये जो पर्सनल कंप्यूटर से हम बाहर से इसको इंटरफेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आईओ यूनिट, इसके साथ हम ऑपरेटर पैनल और कुछ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, एक फानुक सीरीज का 0iMC कंट्रोलर दिखता कैसे है। तो ये है आपका फ्रंट व्यू और ये आपका रियर व्यू। ठीक है, फानुक सीरीज का 0iMC कौन, और इसका जो फ्रंट व्यू है इसको अगर डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, ये अल्फाबेटिक कीज है, यहाँ पे न्यूमेरिक कीज है, कंट्रोल की ग्रुप्स है और यहाँ पे कर्सर की है, मेन्यू फॉरवर्ड बैकवर्ड की है। तो ये है आपका, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ये जो डिस्प्ले यूनिट है ये है आपका फ्रंट व्यू ऑफ फानुक 0iMC कंट्रोलर। और इसका अगर रियर व्यू देखा जाए तो ये जो रियर व्यू है कुछ स्टेप में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये है आपका रियर यूनिट का, यहाँ पे फैन मोटर रहता है और कुछ कनेक्शंस रहता है, कनेक्शन का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। और ये है आपका मेन बोर्ड। ठीक है, ये जो मेन बोर्ड है इसमें देखिए ये दो छोटा छोटा बोर्ड है, बाद में हम दिखाएंगे। तो ये जो एक्सिस कंट्रोल कार्ड है, यहाँ से आपका ये फाइबर ऑप्टिक केबल से ये जो COP01A यहाँ से ये सर्वो ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है। और ये है आपका एफ्रॉम और एसरेम मॉड्यूल, एफ्रॉम और एसरेम मॉड्यूल में ये कुछ डेटाज और पैरामीटर्स इसमें लोडेड रहता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कि इसका जो एक असेंबल और डीअसेंबल कैसे किया जाता है इसका फानुक 0iMC कंट्रोलर को डिटेल्स में देखते हैं। तो ये है दोस्तों एक फानुक 0iMC कंट्रोलर को, ये आपका फ्रंट पैनल है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट है और ये है आपका बैक साइड, यहाँ पे दो फैन दिखाई दे रहा है आपको और ये बैक कवर है, इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ये सब कनेक्शंस जो है डिटेल्स आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, और इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए और ये फैन को निकाला जा रहा है और ये बैक कवर निकल गया। ये जो बोर्ड है ये एक्सिस कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, और ये जो है ये एसरेम मॉड्यूल है, इसमें डेटाज रहते हैं। ठीक है ना, और ये सब कनेक्शंस अलग अलग कनेक्शंस जो है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये फैन कनेक्शंस है ये दो, ये जो है ये बैटरी बैकअप के लिए और ये पावर सप्लाई के लिए, इस बोर्ड में पावर सप्लाई देने के लिए ये पॉइंट है। और यहाँ से अलग अलग आईओ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया जाता है और सम एमडीआई यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो एसरेम मॉड्यूल को कैसे निकाला जाता है, ये ऐसे अलग से रहता है और इसको एसरेम मॉड्यूल को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एक्सिस कंट्रोल कार्ड वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे। और ये जो पॉइंट है ये है आपका, ये जो पॉइंट है इसके नीचे ये पॉइंट है आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल से सर्वो ड्राइव के साथ कनेक्शन किया रहता है। ठीक है, कनेक्टेड रहता है इसके साथ, और ये बैक कवर को लगा दिया। ठीक है, और ये पूरा कंट्रोलर रेडी है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे एक फानुक 0iMC कंट्रोलर को असेंबल और डीअसेंबल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया ना
कि एक सीएनसी कंट्रोलर क्या है, डिफाइन टाइप ऑफ सीएनसी कंट्रोलर क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है और उनका काम क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।